चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। थ्री ब्लॉक्स ऑफ मासेस 2 kg, 3 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ लाइट स्ट्रिंग एंड आर देन प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन इन द फिगर। द सिस्टम इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जा रहा है। टेंशन T1 पता करना है। टेंशन T1 किसके किसके बीच है? 2 kg और 3 kg वाले ब्लॉक के बीच में। तो ये जो एक्शन रिएक्शन होगा इंटरनल फोर्स है, T2 भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ एक है 10 न्यूटन का, क्योंकि ग्राउंड का फ्रिक्शन यानी जिस प्लेटफॉर्म पे ये तीनों मासेस रखे हुए हैं ये मासलेस है, सॉरी ये फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस है तो ऑब्वियस सी बात है कोई एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन का लगेगा नहीं। और जो रोप है या थ्रेड है ये मासलेस है तो इसका मास इंक्लूड होगा नहीं, ठीक है। तो पूरे सिस्टम को अगर मैं कंसिडर करूं तीनों का मास 2 kg प्लस 3 प्लस 5 ये कितना हो जा रहा है? ये 10 kg हो जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इसी वजह से इसी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा? एमटी इंटू ए। एफ नेट की वैल्यू कितनी होगी? 10 न्यूटन इज इक्वल टू एमटी की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो यहां यूज करेंगे अगर तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 m/s² होगी। इट मींस ये तीनों एक ही एक्सेलरेशन से लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, पहली बात। अब टेंशन T1 फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। तो अगर मैं 2 kg वाले ब्लॉक का FBD बनाऊं, 2 kg वाले ब्लॉक का, तो लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और राइट साइड में आपका 3 kg वाला ब्लॉक T1 फोर्स लगा रहा है, लेकिन ब्लॉक चल रहा है 2 kg वाला लेफ्ट साइड में ए एक्सेलरेशन से, ए की वैल्यू 1 m/s² है। तो इट मींस 10 इज ग्रेटर देन T1, तभी तो लेफ्ट साइड में ये ब्लॉक 2 kg वाला मूव कर रहा है। तो इसलिए एफ नेट इज इक्वल टू M1, इसको M1 कंसीडर करें, M1, M2 और M3। तो M1 कितना हो गया? M1 into A, नेट फोर्स कितना हुआ? 10 माइनस T1 इज इक्वल टू, M1 की वैल्यू है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना 1, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा? 10 माइनस 2 इट मींस 8, T1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन आ जाएगा। यानी दोनों के बीच में 2 kg और 3 kg वाले ब्लॉक में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था 2 kg वाले ब्लॉक को चलाने के लिए और 2 न्यूटन का फोर्स इस 2 kg वाले ब्लॉक ने यूज कर लिया, बाकी 8 न्यूटन का पीछे भेज दिया 3 kg और 5 kg वाले ब्लॉक के लिए कि यूज करें और अपने आप को एक एक्सेलरेशन से ही मूव कराएं जिस एक्सेलरेशन से 2 kg वाला ब्लॉक मूव कर रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो T1 की वैल्यू 8 न्यूटन होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? 8 न्यूटन का अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।